हेलो, गुड मॉर्निंग माय ओल्ड ईयर स्टूडेंट्स. मैं हूँ ज्योति शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ स्मार्ट स्टडी चैनल पे. यहाँ मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ नीट के लिए, जिसके अंदर अपना नर्वस सिस्टम चल रहा है. फटाफट अपने को अपने टॉपिक कंप्लीट करके जेनेटिक्स शुरू करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि मैम पहले जेनेटिक्स करवा दो, जेनेटिक्स करवा दो. किसी को उसमें कुछ पे डिग्री नहीं आता है, किसी को मेंडल नहीं आता है, किसी को कुछ नहीं आता. तो हम पहले जेनेटिक्स करेंगे और उससे काफ़ी अच्छा पोर्शन है, उससे नेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी पुटअप होते हैं. तो चलो हम अपना नर्वस सिस्टम शुरू करते हैं, है ना. काफ़ी इजी सा प्यारा सा टॉपिक है, छोटा सा. क्या चल रहा था अपना? ह्यूमन ब्रेन चल रहा था, है ना. ह्यूमन ब्रेन चल रहा था अपना. तो चलो देखें, आज अपन स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स करेंगे. देखो, मैंने आपको बताया था नर्वस सिस्टम दो प्रकार का होता है. रिकैप करवा दूं, देख पा रहे हो आप? हाँ, देखो नर्वस सिस्टम टू टाइप का होता है, एक तो CNS और दूसरा कौन सा होता है? PNS. ठीक है, CNS के अंदर अपना कौन आता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, PNS के अंदर अपनी सारी जितनी भी नर्व्स है ना, जो कि क्या करती हैं, सिग्नल को लेके जाने का काम करती हैं और वापस आने का काम करती हैं. जो जाती हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं और जो वापस आती हैं वो कौन सी न्यूरॉन्स हैं? मोटर न्यूरॉन्स हैं. इतनी बात समझ में आई? तो देखो, नर्व्स अकॉर्डिंग टू लोकेशन, लोकेशन के बेस पे अपन बात करें तो नर्व्स जो है वो कितने टाइप की हो जाएंगी? एक तो हो जाएंगी क्रेनियल नर्व्स, ठीक है. दूसरी कौन सी हो जाएंगी? स्पाइनल नर्व्स. क्रेनियल नर्व्स वो हैं जो अपने ब्रेन से कनेक्टेड है, और स्पाइनल नर्व्स जो वो है जो अपने स्पाइनल कॉर्ड से आती हैं या फिर स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाती हैं, वो वाली नर्व्स है. अब इसको देखने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करा देती हूँ. इधर देखो, CNS अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है. सेरिब्रम अपन ने किया था, ये ठीक है. उसके बाद ठीक, फिर मिड ब्रेन, फिर स्पाइनल कॉर्ड, नहीं सेरिब्रम, सॉरी. ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा बना लो इधर, है ना. तो इसके अंदर लोब्स प्रेजेंट होती हैं, चार लोब होती हैं. इतना मैंने कल आपको बताते था, 1, 2, 3 और 4. ठीक है, तो ये वाली जो लोब है, यहाँ पे कौन सा एरिया था? सोमेटिक एरिया था, यहाँ मोटर एरिया था, यहाँ एसोसिएशन एरिया था. यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? अब यहाँ पे एक छोटा सा न्यूक्लियाई होता है, एक सेंटर होता है, जिसको बोलते हैं वर्निकेज एरिया. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वर्निकेज एरिया. ये क्या करता है? ये टंग के अंदर जो स्पीच होती है ना, स्पीच, जैसे अपन टंग का मूवमेंट होता है जिसकी वजह से अपने वर्ड्स निकलते हैं, तो वो उसको कौन कंट्रोल करता है? वर्निकेज एरिया कंट्रोल करता है. ठीक है भाई, हमारे ब्रेन ने कुछ सोचा कि क्या बोलना है, उस हिसाब से टंग क्या करेगी? मूवमेंट करती है और हमारे जो मुंह से वर्ड्स निकलते हैं, तो उसको कौन कंट्रोल करना है? अपना वर्निकेज एरिया. एक एरिया और होता है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं ब्रोकास एरिया. ठीक है, सॉरी, वर्निकेज यहाँ होता है, ब्रोकास यहाँ होता है. एक कौन सा एरिया होता है? ब्रोकास एरिया. ये किस में हेल्प करता है? हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग.
ये किस में हेल्प करता है? अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है। हम जो बोलते हैं, जो मैं कुछ बोल रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, तो वो उसको समझाने का काम कौन कर रहा है? ब्रोकास एरिया का काम है, ठीक है। जो लैंग्वेज हम मैं बोल रही हूँ वो लैंग्वेज आपको आती है, और उसको समझाने का काम कौन करता है? अपना ब्रोकास एरिया करता है, जो कि कहाँ होता है? अपने सेरिब्रम के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। दो एरियाज, इन से क्वेश्चन आए हैं इसलिए मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। नेट में काफी बार इनसे क्वेश्चन आ चुके थे, तो आपको याद रखना वर्निकेज एरिया और ब्रोकास एरिया, ठीक है। अब अपन आते हैं अपने नर्व्स पे, आते हैं स्पाइनल नर्व्स, नहीं क्रेनियम नर्व्स, सॉरी। देखो नर्व्स एक्चुअली में क्या होती है, देखो पहले नर्व्स की डेफिनेशन लिख ले। नर्व्स आर बंडल ऑफ एक्सोन, नर्व्स अपन देखें एक तरह से तो नर्व्स क्या है, अपन नर्व किसको बोलते हैं? बंडल ऑफ एक्सोन क्या होते हैं? देखो मैंने काफी बार आपको आपके सामने न्यूरॉन का डायग्राम बनाया, कुछ ऐसे होती है न्यूरॉन, ये डेंड्राइट लगे होते हैं, ये वाला पार्ट है, ये इसकी क्या है? सेल बॉडी है। और ये जो है, ये जहां से सिग्नल पास होते हैं, ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं एक्सोन, है ना। तो अपन नर्व किसको बोल रहे हैं? एक्चुअल में हम नर्व्स इस एक्सोन के जो बहुत सारे काफी सारे न्यूरॉन्स एक साथ ट्रेवल करती हैं, है ना भाई। किसी भी चीज का सिग्नल जाता है तो वो सिर्फ एक नर्व लेके नहीं जाती, एक न्यूरोन लेके सिग्नल नहीं जाती, बहुत सारे न्यूरोन एक साथ सिग्नल लेके पास आउट होती है, और बहुत सारी नर्व सिग्नल लेके पास इन होती है। तो मतलब यहां से यहां पे क्या है, ग्रुप ऑफ एक्सोन, एक्सोन्स का क्या बन गया? ग्रुप बन गया, एक बंडल बन गया, उसी बंडल को अपन क्या बोलते हैं? मेनली वही क्या है, नर्व्स हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शन के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग कौन कौन सी होगी? क्रेनियल नर्व्स हो गई और स्पाइनल नर्व्स हो गई। फंक्शन के अकॉर्डिंग कौन कौन सी होंगी? अकॉर्डिंग टू फंक्शन, सेंसरी, ठीक है। दूसरी कौन सी? मोटर। और तीसरी कौन सी? मिक्स्ड। ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, यहां से कुछ नर्व्स आ रही है ऐसे, यहां इसका क्या है, सेल बॉडी है, यहां से नर्स ये ऐसे ट्रेवल कर रही है, बहुत सारी नर्स जो ऐसे जा रही है, ठीक है। और इनके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है, जिसको बोलते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो ये वाला एक ग्रुप बन गया, है ना। तो और ये यहाँ पे क्या है, इसके डेंड्राइट हैं, इधर इसके डेंड्राइट है, इसका मतलब सिग्नल जो है ये कहां से गेट आउट करती है, सिग्नल यहां से गेट करती है, है ना, और यहां से लेके सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आती है। तो यहां से सिग्नल लेके इधर आ रही है, मतलब इनके ऊपर और किसकी कवरिंग है? कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है। तो ये वाला जो एक बन गया, एक ग्रुप बन गया, ये कौन सी न्यूरॉन्स हो गई? सेंसरी न्यूरॉन होगी, क्योंकि जो क्या कर रही है, जो सेंसेस बॉडी के ऊपर फील हो रहे हैं उनको लेके जाने का काम कर रही है, ठीक है। फिर कुछ नर्स यहां से निकलेंगे ब्रेन से, है ना, ब्रेन से कुछ नर्स आ रही है मान लो ऐसे, यहाँ पे फिर से एक्सोन हुआ, फिर ये क्या करती हैं, बाहर निकलती हैं, ये ऐसे आ रही हैं, ठीक है। और इनके ऊपर भी कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है, तो एक ग्रुप ये बन गया। ये मोटर न्यूरॉन है, ये यहाँ से सिग्नल को लेके आ रही है, कमांड लेके आ रही है, तो इनको अपन बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। बात क्लियर हुई। सेंसरी न्यूरॉन्स कौन सी होती हैं? जो कि जो सेंस ऑर्गन पे अपने को जो भी फील होता है उसको लेके ब्रेन तक जाती हैं, वो कौन सी न्यूरॉन हो गई? सेंसरी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन जो कमांड लेके आती है ब्रेन से, उनको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। अब मिक्स्ड कौन सी होगी भाई? मिक्स का रोल भी समझ लो। मिक्स में क्या होता है, जैसे यहाँ से ये आ रही है, ठीक है, इधर आ रही है मान लो, उधर जगह नहीं इसलिए इधर बना रही हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे मैं समझना, ठीक है, ऐसे आ रही है। कुछ इनमें ऐसी होती है जो कैसी होती है, इधर भी जा रही है,
और इनका एक ग्रुप बन जाता है, ये यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग जो है वो दोनों को मिक्स करके कवरिंग कर लेती है। तो ये कैसे है, ये मिक्स्ड भी है और ये नहीं, मतलब ये सेंसरी भी है और ये मोटर भी है, ये पूरा एक बंडल। हम पूरे ग्रुप ऑफ एक्जोन की बात कर रहे हैं, ना कि एक न्यूरोन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, मिक्स्ड, जो कि कैसी है, सेंसरी भी है और भैया कैसी भी है, मोटर भी है। क्लियर हुई बात। देखो नर्वस सिस्टम टू टाइप का हो गया, CNS और PNS। CNS के अंदर क्रेनियम पढ़ेंगे अपन, पढ़ लिया अपन ने, है ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन पढ़ लिया, स्पाइनल कॉर्ड अपना बचा है। फिर देखो PNS के अंदर नर्व्स पढ़ेंगे, सेंसरी मोटर दोनों मिक्स्ड तीनों, ठीक है। उसके बाद CNS के अंदर मैंने आपको ब्रेन का करा दिया है, ब्रेन कंप्लीट हो गया अपना, कुछ थोड़ा बहुत पार्ट बचा हूँ मैं आपको करा दूंगी, ठीक है। जबकि PNS के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, नर्व्स आती है, ठीक है। तो नर्व के अंदर लोकेशन के बेस पे अपन देखें कि जो नर्व जो है जहाँ प्रेजेंट है उस बेस पे देखें तो कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप की होती है। जो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है उनको क्रेनियल नर्व बोलेंगे, और जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है उनको बोलेंगे स्पाइनल नर्व, ठीक है। इसके अलावा तो कोई कहीं होती नहीं है, है ना। फिर अपन देखें इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग, ये काम क्या करती है उस बेस पे देखें, उस बेस पे कितने टाइप की हो गई, दिख रहा है, थ्री टाइप की हो गई। कौन कौन सी, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, इतनी बात समझ में आ गई आपको अच्छे से। तो अब आप लोग बिल्कुल फोकस होकर क्लास को अटेंड कीजिए। अब अपन क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो 12 पेयर होते हैं। पहले अपन ब्रेन से शुरू, अपन ब्रेन पढ़ रहे हैं ना पहले, तो ब्रेन के अंदर कितनी नर्व हैं, 12 पेयर नर्व है जो कि बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में जाती हैं, और जो कि क्या करती हैं वहाँ से मोटर, वो मोटर भी हो सकती है, क्रेनियल नर्व्स जो है मोटर भी हो सकती हैं, सेंसरी भी हो सकती हैं और मिक्स्ड भी हो सकती हैं। इतनी बात समझ में, बिल्कुल आप क्लास को फोकस्ड होकर अटेंड क्या करो, अपना ध्यान एक जगह पे रखा करो। जब पढ़ते हो उस टाइम आपका ध्यान बिल्कुल इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब तक आप लोग फोकस करके पढ़ेंगे, देखो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, 36 बार मैं आपको ये बात रिवाइज करवा चुकी हूँ कि नीट के अंदर बायोलॉजी का 50% रोल है, है ना। अगर अपन बायोलॉजी अच्छे से कवर कर लेते हैं ना तो हम 50% तैयार हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी का रोल काफ़ी ज़्यादा है, जिसके अंदर जूलॉजी और बॉटनी अपन दोनों पढ़ेंगे, है ना। जूलॉजी का पोर्शन 11th और 12th वाला जो है वहीं आएगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी, और बॉटनी का भी वही पोर्शन, मतलब 11th 12th आपको दोनों कवर करके चलनी है, और नीट के अंदर आप आसानी से क्रैक कर जाओगे, ठीक है। अब आपको स्ट्रेटजी वीडियो एक दो दिन में मैं ले आऊँगी, सॉरी फॉर दैट, मैं काफ़ी लेट हो रही हूँ उसके लिए, तो कल या फिर परसों तो पक्का आ जाएगा, ठीक है। जिसके अंदर मैं आपको ये बता दूंगी कि कौन से टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा तैयार करना है, कौन सा टॉपिक पहले तैयार करना है, है ना। तो देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, इसके बाद एंडोक्राइन बचा है सिर्फ, ये जब ये पूरा हो जाएगा ना, देखो नर्स वाला पूरा होने के बाद अपन पढ़ेंगे, तो आई बच गया, फिर ईयर बच गया थोड़ा सा, आई और ईयर होने के बाद ये टॉपिक जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, कुछ डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे बस इसमें। फिर अपन एंडोक्राइन शुरू करेंगे जो 4 या 5 या फिर मैक्सिमम 7 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अपन जेनेटिक्स शुरू करने वाले हैं, क्योंकि आप लोग काफ़ी बार बोल चुके हो कि मैम पहले जेनेटिक्स जेनेटिक्स जेनेटिक्स, तो पहले मैं सोच रही हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको जेनेटिक्स शुरू करा दूंगी, ठीक है। जेनेटिक्स काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी इजी नहीं बोल सकते उसको, एनालिटिक्स टॉपिक है वो एक तरह से, अगर आप लोग फुली कंसंट्रेट होकर अगर उसको समझ रहे हो ना तो बिल्कुल ईजी है, है ना। उसमें थोड़ा मैथमेटिकल भी है, जो कि अगर कुछ लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उनको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आप लोग उसके लिए तैयार रहिए, आपका जो जेनेटिक्स है वो मैं जल्दी शुरू करने वाली हूँ, एक बार ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद, है ना। और आप क्लास अटेंड करते हैं तो आप बिल्कुल इस बात को लेके बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि मैं बिल्कुल NCERT बेस्ड चल रही हूँ, ठीक है। NCERT से बाहर मैं आपको कुछ पढ़ा नहीं रही हूँ, ठीक। और कुछ दिन में मैं अपने आपके लिए लाइव क्लास भी लेके आने वाली हूँ, तो थोड़ा शेड्यूल नहीं बन रहा है, जल्दी मैं लाइव क्लास लेके आऊँगी आपके लिए। तो अपन चले, अपन मैं क्या बता रही थी आपको, क्रेनियल नर्व्स जो है वो 12 पेयर होती हैं, ठीक है। आज अपन सिर्फ आपको क्रेनियल नर्व्स बताऊँगी कि 12 पेयर कौन कौन सी हैं, उनके नाम क्या है, ठीक है, और कौन सी मोटर है, कौन सी मिक्स्ड है, और कौन सी का क्या फंक्शन है। फंक्शन आप नहीं भी याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपका काम बन जाएगा, लेकिन आपको उनके नाम और उनका सीक्वेंस, सीक्वेंस वाइज है, फर्स्ट नंबर पे कौन सी वो फर्स्ट पे ही याद करनी है आपको। समझ में आ रही है बात,
जो फर्स्ट नंबर पे है वो फर्स्ट पे ही याद करनी है, सेकंड पे है वो सेकंड पे ही याद करनी है, फिर कौन सी मोटर है कौन सी मिक्स्ड है आपको ये याद करना है। फंक्शन मैं आपको सबके बता दूंगी, याद होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन आते भी नहीं है कहीं, ठीक है। आ भी जाए एक आधे फंक्शन तो आप, वो आपको वैसे भी आप रिवाइज मतलब पढ़ोगे ना तो आपके माइंड में रहेगा वो, ठीक है। जब एक तरह से आप ऑप्शन देखोगे या फिर बार बार जब एक ही बात को आप रिपीट करोगे रिवाइज करोगे तो आपके ब्रेन में वो टिक जाएगी बात, ठीक है। जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ मैं समझा दूंगी आपको, डोंट वरी, ठीक है। अब देखो क्या देखना है अपने को, क्रेनियल नर्व्स, यहाँ लिख लूँ क्या, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, फर्स्ट नंबर पे क्रेनियल नर्व जो है वो आती है ओल्फैक्टरी, फर्स्ट नंबर पे कौन सी क्रेनियल नर्व आती है ओल्फैक्टरी, जो अपने नोज से शुरू होते हैं जिसके डेंड्राइट, और वो कहाँ जाते हैं ब्रेन तक जाते हैं। ओल्फैक्टरी जो है वो कैसी है, वो सेंसरी है, ऑब्वियस सी बात है, अगर नाक से शुरू हो रही है तो इसका काम क्या है, स्मेल, कोई डाउट। पहली कौन सी, ओल्फैक्टरी नर्व सेंसरी होती है, ठीक है, और स्मेल का काम करती है, नाक से शुरू होती है और ब्रेन तक जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्रेनियल नर्व करा रही हूँ मैं आपको। सेकंड होती है, सेकंड होती है ऑप्टिक, सेकंड कौन सी होती है ऑप्टिक, ऑप्टिक जो है वो भी सेंसरी होती है, और ये किस में हेल्प करती है, विजन में हेल्प करती है। एनीथिंग डाउट, फर्स्ट ऑल्फैक्टरी जो कि स्मेल से रिलेटेड है, सेंसरी है और नाक से शुरू होती है ब्रेन तक जाती है, दूसरी कौन सी ऑप्टिक है जो आँख से शुरू होती, जब आँख आपको कराऊंगी ना मैं तो ये वहाँ पे आएगी, मैं आपको काफ़ी डिटेल में इसको समझा दूंगी। आँख के पीछे अपन इधर देखेंगे ना तो एक ऑप्टिक नर्व है जो कि ब्रेन तक जाती है और सिग्नल वापस यहीं से आ जाते हैं इसके, ठीक है। तो ये कौन सी है, ये है सेंसरी, और ये क्या करती है, विजन में हेल्प करेगी, क्लियर। थर्ड देखें, थर्ड होती है अक्यूलो मोटर, थर्ड कौन सी होती है अक्यूलो मोटर, अक्यूलो मोटर जो है वो कैसी है, वो मोटर है, अक्यूलो मोटर मोटर है। फोर्थ देखो ट्रोक्लियर, फोर्थ कौन सी ट्रोक्लियर, ट्रोक्लियर भी कैसी है मोटर है, ठीक है। एक बात याद रखना, ट्रोक्लियर जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व है, ट्रोक्लियर जो है वो स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व है, इतनी बात समझ में आई। फिफ्थ देखो, फिफ्थ है ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल मिक्स्ड है, ट्राइजेमिनल कैसी है मिक्स्ड है, और ट्राइजेमिनल सबसे लार्जेस्ट है, ट्राइजेमिनल लार्जेस्ट है, ठीक है। ये फेस के सेंसेशन में हेल्प करती है, फेस सेंसेशन, फेस के जो एक्सप्रेशन आते हैं ना वो किसकी वजह से आते हैं, क्रेनियम की वजह से आते हैं,
ठीक है, कौन सी? ट्राइजेमिनल की वजह से। सिक्स्थ देखो, सिक्स्थ है अबडूसेंस। अबडूसेंस जो है वो है कैसी? मोटर। अबडूसेंस कैसी है? मोटर है, ठीक है। सेवंथ है फेशियल, ठीक है। फेशियल कैसी है? मिक्स्ड है। फेशियल कैसी है? मिक्स्ड है। ये मूवमेंट ऑफ फेस, एक्सप्रेशन जो आते हैं ना फेस पे, वो इसी की वजह से आते हैं, ठीक है। सेवंथ के बाद एट्थ, एट्थ देखो, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर। वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर जो है ये भी कैसी है? मिक्स्ड है, और ये हियरिंग में हेल्प करती है। किसमें हेल्प करती है? हियरिंग। नाइन्थ देखो, नाइन्थ है ग्लोसोफेरिंजियल। दिख तो रहा है क्या आपको? ग्लोसोफेरिंजियल जो है वो भी मिक्स्ड है, और वो टेस्ट में हेल्प करती है। मिक्स्ड है और टेस्ट में हेल्प करती है, ठीक है। फिर टेंथ है वेगस। टेंथ कौन सी है? वेगस। वेगस जो है वो मोटर न्यूरॉन है, ठीक है। वेगस कैसी है? मोटर न्यूरॉन है, और ये डाइजेशन या हार्ट रेट डाइजेशन इन सबको कंट्रोल करती है, ठीक है। इलेवेंथ और ट्वेल्थ ये एसेसरी है, इनको आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। इलेवेंथ और ट्वेल्थ को एसेसरी है, और हाइपोग्लोजल, ठीक है। ये टंग के लिए है, और ये एसेसरी है, ये कैसी है? ये मोटर है। इतनी बात समझ में आई आपको? 12 हो गई। हाइपोग्लोजल ये एसेसरी वाली जो है, ये मूवमेंट ऑफ हेड, हेड की मूवमेंट में हेल्प करती है। हाइपोग्लोजल जो है ये टंग की मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। ये कुछ बच गई ना, अबडूसेंस बच गई, और ये ऑक्यूलर मोटर बच गई, इनका फंक्शन नहीं बताया मैंने, थर्ड का और फिफ्थ का। ये आईबॉल की मूवमेंट में हेल्प करती है। आईबॉल किस में हेल्प करती है? आईबॉल की मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। 12 पेयर हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ताकि आपको इनको याद ही करना पड़ेगा आपका, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों को? 12 पेयर, फर्स्ट कौन सा? ऑल्फैक्ट्री, ऑप्टिक, ऑक्युलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, अबडूसेंस, फेशियल, वेस्टिबुलर, कॉक्लियर, और ग्लासोफेरिंजियल, वेगस, एसेसरी और हाइपोग्लोजल, ठीक है। ये आपको ये याद होनी चाहिए कि कौन सी मोटर है, कौन सी मिक्स है, कौन सी सेंसरी है, और इनका फंक्शन आपको याद होना चाहिए। क्रेनुलर 12 पेयर, ठीक है, कोई भी हो सकती है तीनों में से। इतनी बात क्लियर होने के बाद कल अपन करेंगे स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को आपके आज की क्लास कैसी लगी। ये कल की क्लास में आपको दोबारा से रिवाइज कर दूंगी, करा दूंगी मैं। आप इसको जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा ही आपको समझ में आएगी अच्छे से, ठीक है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, अच्छे से स्टडी करते रहे। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।